हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सी एस सी टेक्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन पी एच पी MySQL और ये है उसका पहला लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ पी एच पी एंड वर्किंग ऑफ पी एच पी। सो ये एक नई सीरीज है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल के लिए। सो अगर आप पी एच पी सीखना चाहते हैं, आपको नहीं आती, तो इस सीरीज के साथ आप सीख सकते हैं। आपको पी एच पी में बेसिक से एडवांस लेवल तक हम सिखाएंगे। सो शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर पी एच पी। सो पी एच पी इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब पी एच पी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में किया जाता है और पी एच पी को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए भी आजकल तो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप नए हैं तो आपको ये वर्ड नया लग रहा होगा कि वॉट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। चलो स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग तो समझ में आता है, लेकिन वॉट इज सर्वर साइड? तो इसके लिए हमें क्लाइंट सर्वर मॉडल समझना चाहिए। अब ये क्लाइंट सर्वर मॉडल एक बेसिक सा वे है कि कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर होने वाली एक्टिविटी को समझने के लिए। तो आपने हमेशा कोई वेबसाइट सर्व की होगी। सपोज आप खोलते हैं फेसबुक, तो आप लिखते हैं अपनी जो URL होती है उसमें www.facebook.com। तो तब होता क्या है कि ये जो कंप्यूटर है, सपोज ये आपका कंप्यूटर है और आपने उसमें ब्राउज़र ओपन करके रखा है। अब उसमें आप टाइप करते हैं www.facebook.com। तो जैसे ही आप facebook.com लग के गो पे क्लिक करते हैं या इंटर की प्रेस करते हैं, तो आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के ऊपर, जिसे कहा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। अब ये HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? तो यहाँ पर आपने किया क्या, www.facebook.com लिखा, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे facebook.com इस ब्राउज़र पे देखना है। तो आपका ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे facebook.com यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, इसलिए मुझे facebook.com पे जो इन होम पेज है वो लौटा दो। अब ये सर्वर से क्यों कहेगा? क्योंकि जो भी हमारी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन होती है वो हम सारी रखते हैं सर्वर के ऊपर, ताकि हम कहीं से भी इंटरनेट से इसे एक्सेस कर सकें। तो ये सर्वर कुछ नहीं, एक तरह का हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर से होता है जो 24 आवर्स ऑन रहता है और ऑनलाइन रहता है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा होस्टिंग। तो होस्टिंग मतलब यही है कि हम किराए पर एक इस तरह का सर्वर लेते हैं जिस पे हमारी वेबसाइट रख देते हैं। तो फेसबुक मानो ऐसे ही कोई सर्वर पे रखी गई है। तो हम ये कह रहे हैं ब्राउज़र के ज़रिए कि हमें फेसबुक का होम पेज चाहिए। तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि फेसबुक का होम पेज लौटा दो, और रिस्पॉन्स में सर्वर ये जो फेसबुक का जो होम पेज होगा वो लौटाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, डिमांड करता है किसी पेज की, और रिस्पॉन्स में सर्वर उस पेज को लौटाता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है? अब देखिए, लैंग्वेज आप पहले कभी पढ़े हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे सी हो या जावा हो, तो जब आप कोड लिख देते हैं तो आप डायरेक्टली उसे रन नहीं कर पाते, आपको कंपाइल करना पड़ता है। अगर आप सी यूज़ करते हैं तो टर्बो कंपाइलर में आप कंट्रोल F9 करके उसे कंपाइल करते थे। अगर जावा यूज़ की है आपने तो आप जावा सी लिख के पहले कंपाइल करते थे फिर रन करते थे। तो आपको कोड को एक बार तो कंपाइल करना पड़ता है, फिर आप उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, अब PHP के बारे में क्या है कि PHP को भी आपको इस तरह से कंपाइल या इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो PHP इंटरप्रेटर को यूज़ करता है, इसलिए आपको इंटरप्रेट PHP को करना होगा। तो वो जो इंटरप्रिटेशन का काम होता है, अब इंटरप्रिटेशन क्या है कि PHP में तो हम, चाहे आपको पता ही है कि प्रोग्रामिंग में हम कोड लिखते हैं तो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन मशीन नहीं समझ पाता ह्यूमन लैंग्वेज। इंग्लिश उसको नहीं समझ में आती, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो जो हायर लेवल लैंग्वेज मतलब ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम है, वो इंटरप्रेटर का है। तो वो काम अगर सर्वर पे हो तो उसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, और अगर वो काम क्लाइंट मशीन पे मतलब ब्राउज़र पे हो तो हम उसे कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि वॉट इज़ सर्वर साइड एंड वॉट इज़ क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब ब्राउज़र पे होने वाली प्रक्रिया, सर्वर साइड मतलब सर्वर पे होने वाली प्रक्रिया। तो PHP यूज़ होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, और उसको
यूज करते हैं हम वेब डेवलपमेंट में और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग में, PHP। तो आपको कई बार पूछा जाता है कि PHP ही क्यों यूज़ करनी है वेब डेवलपमेंट में। तो आपको पता होगा, अगर आपने पहले HTML और CSS किया है तो आप उसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डेवलपिंग नहीं कर सकते। अब क्या मतलब है इसका, कि HTML और CSS में लूपिंग नहीं होती, इफ एल्स कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। फिर आप डेटाबेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते। अगर आपने चलो HTML CSS से फॉर्म बना दिया, लेकिन उस फॉर्म से डेटा आएगा उसे रखेंगे कहाँ, ठीक है। तो डेटाबेस अगर आपके पास है, HTML फाइल है, लेकिन उन दोनों को ब्रिज तो करना पड़ेगा, तो वो सब नहीं होता HTML और CSS से। और ये काम आप जावास्क्रिप्ट से भी डायरेक्टली नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हम PHP का यूज़ करते हैं, जो हमारे पेज HTML पेज या डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवा सकता है, डायनामिकली डेटा को या कंटेंट को डिस्प्ले करवा सकता है, उसको स्टोर करवा सकता है। तो ये सब कुछ PHP कर सकता है। अब वेयर PHP कैन बी यूज, PHP को आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ लिमिटेड एग्जांपल दिए गए हैं कि वेब कंटेंट को मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए। आपने ये वर्ड सुना होगा, वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेब फ्रेमवर्क्स, वेब टेम्पलेट सिस्टम्स। और ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बहुत सा बेसिक एग्जांपल देता हूँ, लाइक ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो ये सब आप PHP से बना सकते हैं। और आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा ऐसी वेबसाइट जिससे कोई बाकी नहीं रह सकता, सभी ने यूज़ किया, फेसबुक। तो फेसबुक भी PHP में बनाई गई एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PHP में हम क्या क्या बना सकते हैं। फिर क्लाइंट सर्वर मॉडल हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब देखते हैं PHP कैसे वर्क करता है। अब देखिए, आपने कोई वेबसाइट बनाई और वेब एप्लीकेशन बनाई, तो उसका जो होम पेज है उसका नाम सपोज मान लीजिए है index.php, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब URL एंटर करेंगे तो ब्राउज़र उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर index.php फाइल ओपन कर ले डबल क्लिक करके, तो वो ब्राउज़र डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा, क्योंकि PHP कैसी लैंग्वेज है, सर्वर साइड, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब हायर लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम सर्वर पे होता है। सो सर्वर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो होगा ये कि ब्राउज़र सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, कि ये index.php फाइल तुम्हारे में रखी है, उसको प्रोसेस करो, इंटरप्रेट करो, और जो भी उसमें है वो मुझे वापस करो, ठीक है। तो यहाँ पर index.php की आपने रिक्वेस्ट की सर्वर को। अब सर्वर कई तरह के होते हैं, एक होता है वेब सर्वर, एक होता है डेटाबेस सर्वर, कोई होता है मेल सर्वर। तो ये सब क्या होते हैं। अब वेब सर्वर वो है जो जनरल प्रक्रिया करता है, मतलब जो रिक्वेस्ट आती है उसे एक्सेप्ट करता है, उसमें रिस्पांस में जो चीज़ उसे लौटानी है वो लौटाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट तो आ गई वेब सर्वर के पास कि index.php चाहिए। अब ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सपोज xyz.com है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा कि xyz.com की index.php फाइल है। तो वेब सर्वर ने देखा कि xyz.com की index.php फाइल, तो वो यहाँ से सर्वर पर जो फाइल रखी होगी उसमें से ढूंढ लेगा कि xyz.com की index.php फाइल है। अगर है तो वो उसे दे देगा PHP इंटरप्रेटर को कि इसमें जो भी लिखा है उसे इंटरप्रेट करके मुझे वापस कर दो। अब PHP इंटरप्रेटर देखेगा कि अगर उसमें डेटाबेस के साथ कुछ काम किया गया है, सपोज़ हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है डेटा, तो वो वहाँ से स्टोर कर देगा। अगर हम डेटाबेस से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस में से उठा के डेटा को यहाँ रख देगा। अब यहाँ पर सपोज़ हमने मेल करने का कोड लिखा है, तो इंटरप्रेटर कहेगा कि भाई तुम मेल कर दो, या मेल को रिसीव करना है तो रिसीव किया गया मेल इसमें जोड़ दो, ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग की है तो फाइल बना दो, फाइल में से डेटा रीड कर दो, तो वो सब काम यहाँ पर हो जाएगा। और जो कंप्लीट फाइल बन जाएगी वो फाइल PHP में से कन्वर्ट हो जाएगी HTML में, ठीक है।
अब ये एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो फॉर्मेट होगा वो HTML फॉर्मेट में ही होगा। वो कैसे होता है हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो फाइनली वेब सर्वर के पास ये जो index.php फाइल है वो आ जाएगी इंटरप्रेट होने के बाद। तो वो रिस्पॉन्स में क्लाइंट मशीन पे वापस कर देगा इस फाइल को, और आपको यहाँ पर आपने जो वेबसाइट ओपन की है वो दिख जाएगी। तो इस तरह से PHP काम करता है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट, तो आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, बैम्प या सैम्प, लोकल सर्वर होना चाहिए। तो ये तो इंस्टॉलेशन बैम्प और सैम्प की तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और आपके पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए, सपोज फायरफॉक्स, क्रोम, कोई भी लेटेस्ट, ठीक है। सो ये आपके रिक्वायरमेंट है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए CSE Touch in Hindi। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।